हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फ्लेंज में होल्स की जो मार्किंग होती है वो कैसे करते हैं, क्या फार्मूला होता है, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। तो कंप्लीट प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ फ्लेंज होल मार्किंग के लिए। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं फ्लेंज में होल की मार्किंग कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्लेंज, व्हाट इज फ्लेंज, फ्लेंज क्या है। तो फ्लेंज जो है वो जितना भी हमारा पाइप्स हैं, वाल्व्स हैं, पंप्स हैं, तो इसके लिए जो जो सबसे सेफ कनेक्टिंग डिवाइस होती है, कनेक्टिंग जो एलिमेंट्स है वो है फ्लेंज। तो जैसा कि आपने यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, जो ये सभी फ्लेंज पाइप वगैरह कनेक्ट करना होता है, तो हम सबसे सेफेस्ट जो हमारा इक्विपमेंट है वो फ्लेंज होती है। और फ्लेंज जो होती है काफी क्रूशियल हमारे जो प्रोसेस हैं, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं, पाइपिंग सिस्टम को, इंडस्ट्रियल पाइपिंग सिस्टम और कंट्रोलिंग सिस्टम में फ्लेंज का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसी की में हम जब हम फ्लेंज को बनाते हैं तो हमें उसकी होल की मार्किंग करनी होती है। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ से देखेंगे कि हमें फ्लेंज है, अगर हमें फ्लेंज बनाना है तो इसकी जो होल्स है सेम डिस्टेंस में, इक्वली डिस्टेंस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे। सो इसके लिए आप हमें यहाँ पे देखेंगे एक ड्राइंग है और सेम ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थ्री जो है वो टेप्ड होल है और थ्री हमारा जो है वो थ्रू होल्स है। सो इसके बेस पे अगर हमें इसका होल्स को मार्किंग का कैलकुलेशन निकालना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो ओडी है, ओडी मतलब आउटर डायमीटर, वो 125 यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ पीसीडी, पीसीडी मींस होता है पिच सर्कल डायमीटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पीसीडी जो है, क्योंकि इसी जो पीसीडी पे ही हम जो ड्रिल्स वगैरह जो होल करने होते हैं हमें, वो इस पीसीडी पे ही जो पिच सर्कल डायमीटर है उस पर ही करने होते हैं। और पीसीडी जो है हमारा इस ड्राइंग में यहाँ से देखेंगे 49 इसकी रेडियस है, तो टोटल इज 98 हमारा पीसीडी है। नेक्स्ट इज आईडी, आईडी मतलब इनर डायमीटर, इनर डायमीटर जो हमारा ये देखेंगे ये है 65, इनर डायमीटर इज 65। एंड नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ होल्स है हमारा 6। एंड कोड लेंथ, कोड लेंथ हमें ये निकालना होता है, यही जो हमें कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है मार्किंग के लिए, यही मेन पार्ट होता है कोड लेंथ। अगर हम कोड लेंथ हमें पता होगा तो इजीली हम मार्किंग कर सकते हैं। तो कोड लेंथ क्या होती है दोस्तों, जब हम यहाँ से एक होल से दूसरे होल के सेंटर का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कोड लेंथ या एडजेसेंट होल डिस्टेंस बोलते हैं। और ये हमारा इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये कोड लेंथ ही होती है। अगर हमें ये पता रहेगी तो इजिली हम मार्किंग कर पाएंगे। और लेकिन इसमें हमारा एक यहाँ से ये सेम ये जो रेडियस है ये रेडियस का डिस्टेंस नहीं होता, ये सेम क्या हमारा एक एक होल से लेके दूसरे होल का सीधा सीधा जो डिस्टेंस होता है इसको हम कोड लेंथ कहते हैं। तो कोड लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको समझते हैं। सो ये हमारा यहाँ पर देखें, ये हमारा जो हमने कैलकुलेशन लिया है वो। नेक्स्ट इज ये हमारा ओडी जिसके हम आईडी बनाया हमने, और ये पीसीडी। तो ये पीसीडी में आप देखेंगे यहाँ से ये सभी सर्कल्स हमने यहाँ पर जो होल्स हैं वो बनाए हैं। अब इसके लिए कैसे बनाएंगे, एक इसके लिए हमारा एक फार्मूला रहता है जिसमें कि कोड लेंथ जो हमें निकालनी है इज इक्वल टू पीसीडी पिच सर्कल डायमीटर इंटू साइन 360/2n। इस फार्मूले की कैलकुलेशन से आप इजली कैलकुलेट कर सकते हो कोड लेंथ को और फिर मार्किंग कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो 98 हमारा जो पीसीडी है एंड साइन 360, और जो इसमें 2n जो दिया है, n मतलब होता है नंबर ऑफ होल्स। हमने जैसे 6 लिया है, आपको जो चाहिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनीथिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर n आपको यहाँ फिट करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है। और 6 के अगर हमारा जो 98 की पीसीडी है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा आता है इसका साइन 30। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 0.5। अब साइन 30 की जो वैल्यू का अगर हम देखें तो हमें इसकी साइन की जो नेचुरल टेबल्स होती है वहां से देखना होगा, जैसा कि आप ये यहाँ से देख सकते हैं, ये साइन की नेचुरल टेबल है। गाइस अगर आपको इसको देखने में प्रॉब्लम है, अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल इससे भी एक सिंपल मेथड बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। साइन टेबल जो होती है नेचुरल, इसको भी देखना अगर आपको पता, ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये जो पोर्शन होता है ये मिनट्स का पोर्शन होता है, एंड ये होता है हमारा डिग्री। तो जो 1 डिग्री होता है इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा ये साइन 30, साइन 30 आप देखेंगे यहाँ पर ये साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू है 0.05, वही मैंने यहाँ पर
लिया है। सो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आता है 49 mm। अभी जो 49 mm ये क्या डिस्टेंस आया है, ये हमारा कोड लेंथ, एक होल से दूसरे होल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कोड लेंथ। तो ये हमारा 49 mm इसका कोड लेंथ निकल के आया है सिक्स होल की अकॉर्डिंग। अगर अब हमें इसके बाद इसकी अगर जो मार्किंग करनी है तो मार्किंग के लिए क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे सेंटर से हम ये डिस्टेंस ले लेंगे 49 mm यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर पगा रखेंगे, फिर एक आर्क हम यहाँ पर लगाएंगे, नेक्स्ट एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे। जब ये हमारा पूरा होगा तो लास्ट वाली आर्क हमारी यहाँ पे आके एग्जैक्ट मैच कर जाएगी, तो यहीं पर हम पंचिंग करके फिर ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको मार्किंग करनी होती है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट इज अगर आपको कैलकुलेशन साइन नेचुरल टेबल इनको प्रॉब्लम होती है तो आप ये चार्ट ये टेबल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पीसीडी के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें हमने ये कैलकुलेशन करके दिखाया है आपको 10 होल्स तक की, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होल्स तक का हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है, सेम जो पीछे फार्मूला था उसी फार्मूले की हेल्प से। और इसकी हेल्प से आप इजिली सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको होल्स का जो एडजस्टेंट है हमारा जो डिस्टेंस है वो जो कोड लेंथ है इजिली यू कैन गेट आपको मिल जाएगी और आप इजिली मार्किंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले थ्री होल्स के लिए पीसीडी इंटू 0.866, फिर 0.7071, फिर 0.5878, फाइव होल्स के लिए, सेवन होल्स के लिए 0.4399 एंड नाइन होल्स के लिए पीसीडी इंटू 0.342 एंड 10 होल्स के लिए कोड लेंथ निकालिए पीसीडी, पीसीडी एम पी सर्कल डायमीटर इंटू 0.309। तो ये कैलकुलेशन है, इसके थ्रू इजली आपको आपका कोड लेंथ मिल जाएगा और आप उसे मार्किंग कर सकते हैं। और आपको गाइस इस पर कोई प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जल्द से जल्द एक तो आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। तो मुझे कमेंट्स कीजिए अगर आप प्रैक्टिकल वीडियो इस पर चाहते हैं। सो गाइस ये तो था आज की इस वीडियो में कि हम कैसे कोड लेंथ के लिए क्या कैलकुलेशंस करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।